एविएशन एक्ट के अंतर्गत इस पॉलिसी के लिए राज्य स्तर पर भी एक नियमावली तय की है और उस नियमावली को हम लागू कर रहे हैं कि कोई भी ड्रोन होगा वह रजिस्ट्रेशन उसका अनिवार्य हो, ड्रोन के लिए व्यवस्था अनिवार्य होगी कि वहां एक रजिस्टर थाने स्तर पर भी होगा, वहां भी मालूम होना चाहिए कि इस थाना क्षेत्र में कितने ड्रोन मौजूद हैं, किस प्रकार के उपयोग के लिए है और राज्य के अंदर भी रेड ग्रीन एंड येलो जोन निर्धारित करने की भी एक कार्रवाई होगी। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे वीडियोग्राफी सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं होगा, उसको नो फ्लाई जोन के रूप में ड्रोन की कोई भी एक्टिविटीज वहां पे नहीं हो सकती। येलो जोन ऐसा होगा जहां पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन तय कर सकता है, एक निश्चित अथॉरिटी होगी जहां से उसको परमिशन लेकर के वह कर पाएगा। ग्रीन जोन में सेस एक्टिविटीज जो भी फोटोग्राफी की होगी और ने कुछ उसके लिए पाबंदी तय की गई है, कुछ नियमावली एक लक्ष्मण रेखा भी तय की गई है, उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हुए हम उसकी परमिशन देने की व्यवस्था उसके साथ करेंगे। यहाँ एक ड्रोन पॉलिसी को भी आज सरकार ने यहाँ पर तय किया है और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव और आज हमारे मंत्रिमंडल में आया था, वह कैबिनेट ने यहाँ पे पास किया है, वह हमारा शीतकालीन सत्र प्रारंभ करने के लिए 27 को दलीय नेताओं की बैठक होने के साथ ही 28 नवंबर से हम शीतकालीन सत्र करेंगे जो लगभग एक सप्ताह का हो सकता है। तो एक सप्ताह के लिए इस सत्र को जिसमें सरकार की सप्लीमेंट्री डिमांड्स आएंगी, कुछ विधायी कार्य हैं ये भी इस दौरान संपन्न होंगे। इन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आज हम सब यहाँ पर आए थे। यहाँ के विकास कार्यों को हमारे कैबिनेट के सभी साथियों ने उसका प्रेजेंटेशन देखा है। जन्मभूमि मंदिर जाते समय, हनुमानगढ़ी जाते समय कुछ कार्यों का अवलोकन भी किया है और अयोध्या धाम के समग्र विकास को ध्यान में रखकर के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उनके विजन के अनुरूप हम अयोध्या को, उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए प्रतिमान के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे, इस विश्वास के साथ परसों दीपोत्सव कार्यक्रम में आपसे फिर से यहां पर मुलाकात होगी, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस पूरे कार्यक्रम के लिए अपने पूरे मंत्रिमंडल का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वे सभी यहां पर अपने अपने कार्यक्रमों को छोड़ करके आए और कार्यक्रमों के साथ यहाँ के विकास के कार्यों को उन्होंने नजदीक से देखा है और अपने विभागों के माध्यम से भी जो प्रयास हो सकते हैं उसको पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने के साथ अयोध्या और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में लोग रुचि ले रहे हैं। आप सब भी अपने पूरे कार्यक्रम के साथ आए हैं, आप सभी मित्रों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और दीपोत्सव और दीपावली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव थे जिन पर मुहर लगी। 14 कुल ऐसे प्रस्ताव है जिनको पास किया गया है इस कैबिनेट की बैठक में और सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या को पहचान दिलानी है और कोरिया के लोग भी मदद कर रहे हैं यहाँ पे पार्क बनाने के लिए। उन्होंने एक कथा भी सुनाई और बता दें कि उनके द्वारा कई ऐसे प्रस्ताव जो हैं जिन पर मुहर लगाई गई है, तो इसमें अयोध्या के विकास और अयोध्या में ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचे, भक्तजन पहुँचे रामलला का दर्शन करने के लिए, तो पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो 14 प्रस्तावों का भी जिक्र किया जो कि इस कैबिनेट बैठक से पारित हो चुके हैं।